सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, सलाम। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं बरेली। बरेली में किसान भाइयों आए हुए हैं प्रेमनगर। प्रेमनगर में एक ऐसी डेयरी फार्म है जो कि आप देख के आप दिल खुश हो जाएगा। किसान भाइयों, इसमें लगभग लगभग 80 के लगभग एडल्ट भैंसे हैं और इसमें लगभग 40 के लगभग गाय हैं, और जो 80 भैंसों की कटियाँ हैं उनको यहाँ ना पाल करके वो अपने गाँव भेज देते हैं। जब वो गाँव में पहिया तैयार हो जाती है, मतलब जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जब बच्चा देने का समय हो जाता है, तब उनको यहीं अपने फार्म में ले आते हैं। किसान भाई, वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि अगर आप देखेंगे तो आपका भी दिल करेगा डेयरी फार्मिंग किया जाए। क्योंकि किसान भाइयों, इस डेयरी फार्म में लगभग 10 क्विंटल के लगभग दूध हो रहा है इस डेयरी फार्म में, और लगभग लगभग 20-21 लाख रुपए का दूध सेल होता है महीने का। और कैसे क्या कैलकुलेशन है और कैसे डेयरी फार्मिंग का मैनेजमेंट करते हैं, सारा कुछ सर से मिलते हैं, सारा कुछ उन्हीं से डिस्कशन करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बशीर है जी। मेरी डेयरी नीम की चढ़ाई पंजाबपुरे में है। अच्छा अच्छा, बरेली जी। मैंने बहुत छोटे बने से डेयरी करी थी। अच्छा अच्छा सर। 4-5 भैंसों से ही शुरू करा था। अच्छा अच्छा। तो अब मेरे पास करीब 80 भैंसे हैं, 40 गाय हैं। 80 भैंसे हैं और 40 गाय हैं। 40 गाय हैं। लगभग सर, आपने अपना डेयरी फार्म कब स्टार्ट किया था? करीब हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा, लगभग कब स्टार्ट किए थे, मतलब लगभग कुछ आपको सालन याद है? 30 साल पहले लगभग याद, 86 में करीब समय अनुकूल चलो, 86 में, मतलब हल्के फुल्के हम यहाँ आते थे, शुरू करा था बस। 1986 में आपने स्टार्ट किया था। बचपन थोड़ा सा था तो पहले से ही बाप दादा के टाइम से हमारी डेयरी चल रही है। अच्छा अच्छा। तो हम आते थे वहीं, तो काम तो हमारा करीब 70-80 साल पहले से ही है। अच्छा। लेकिन 4-5 महीने से ही शुरू, मतलब रह गई थी जब खत्म हो गया था काम सारा। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, तो आपने डेयरी फार्मिंग के पहले और कोई काम नहीं किया? नहीं, और कोई काम नहीं। मात्र आप बचपन से डेयरी फार्मिंग के ही व्यवसाय में लग गए? पढ़ाई के बाद में ही आपने डेयरी फार्मिंग के व्यवसाय में लग गए। सर, कैसे कैसे क्या शुरू किया और कैसे आपके मन में प्लान आ गया कि हमको डेयरी फार्मिंग ही करना है? नहीं नहीं, ये दादा इला ही काम है हमारा, मतलब आपका पुराना भी, आपका भी पुराना ही काम है। सब लोग कर रहे थे बचपन से ही, शौक है। सर, बचपन से शौक है कि डेयरी फार्मिंग ही करना है। अच्छा, तो सर इस समय आपके पास जैसे कि आपने बताया कि 80 के लगभग भैंस है और 40 गाय हैं, और काफ कितनी है आपके फार्म में? फीमेल काफ, जो पड़िया बोलते हैं जिसे। पड़िया है, अंदर है, बनी है पड़िया, एक अलग है तो दूसरी जगह और बनी है। अच्छा अच्छा। 20-25 सेक हैं, तैयार होती चली जाती, गांव भेज देते हैं ना हम लोग। अच्छा अच्छा। तो आधे आधे पैसों में बटाई पे देते हैं, आधे उनके आधे हमारे, उधर छूट लेते हैं। तैयार हो गया। अगर सर कोई आपके फार्म से अगर पड़िया खरीदना चाहता है तो क्या आप उसको ये फैसिलिटी देंगे? नहीं, हम बेचते नहीं, हम अपनी तैयार करा देते हैं। अच्छा, गांव में अधिया के दे देते हैं कि आधे रेट में फिर आपको बेच देते होंगे? नहीं, उन्हें हमने फ्री में दे दी ऐसे ही। अच्छा, जिस समय जब तैयार हो गई तो उसे बाजार के हिसाब से कूद ली। अच्छा, कहने का मतलब आप उनको फ्री दे देते हैं? हाँ, अभी फ्री दे दी हमने उन्हें। जब वो तैयार हो जाती है तब उसको उनको आप आधा पैसा दे के ले लेते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है वो चाहे तो वो ले सकते हैं, जो पैसा ज्यादा लगाएगा वो ले सकता है। अच्छा 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 सर, तो अभी सर आपके फार्म में लगभग कितना दूध हो जाता है? आपका जो इतना जानवर है, लगभग इनको आपको खिलाने में कितना खर्चा आ जाता है? खिलाने में खर्चा बहुत आ गया, महंगाई बहुत हुई है। 1700-1800 रुपए भूसा बिक रहा है क्विंटल। 1700-1800 रुपए इस समय? बहुत नुकसान हुआ इस समय तो। अच्छा अच्छा। ज्यादा लोगों का बहुत नुकसान हुआ। जैसे कि आपकी तो बहुत बड़ी डेयरी फार्म है, जैसे कि आपने बताया कि 10 क्विंटल दूध हुआ, भैंस अब तक तो बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम, जैसे आपने बताया 65-70 रुपए में बिक जाता है, 70 रुपए का मतलब 70,000 रुपए का दूध होगा आपका एक दिन का। सर लगभग खर्च, लगभग अगर 50,000 रुपए भी अगर खर्च आता है आपका, 20,000 रुपए तो इनकम है, ज्यादा आता है खर्चा, तब भी 50। इसमें बीमारी बहुत लगी रहती है, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, तब भी अगर सर मोटा मोटा रख ले तो आपको महीने के लगभग कितनी इनकम हो जाती है? ऐसी लगभग करीब 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए मिल जाता है। उसमें फिर माल भी डालना होता है ना। अच्छा अच्छा। अगर माल नहीं डालेंगे तो फिर बैठ जाएगा काम, बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा। ये 70,000 रुपए का दूध बिक गया आपका, आपका 55-60 हजार, 70 हजार रुपए खर्चा होता है। उसमें भैंसे बदलना होती है हर महीने। अच्छा अच्छा, हर महीने ही भैंसे बदलनी पड़ती है। बदलना होती है। मतलब सर ऐसे आप भैंस नहीं रखते, जैसे किसी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया या ड्राई पीरियड में चली गई तो आप उसको नहीं पालते? नहीं, हमारे पास सांड है, उसको गाँव भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। आधे पैसों में। अच्छा, उसको फिर भेज देते हैं, मतलब जो दूध देंगी वही रहेंगी फार्म में? हाँ, वही रहेंगी। मतलब ये फार्म का आपका रूल है, जो दूध देंगी वही रहेंगे, नहीं तो गांव जाएंगे? हाँ, हाँ,
अच्छा, गाभिन होने के बाद गांव जाती है। गाभिन होने के बाद गांव जाती है, तो प्रेग्नेंट नहीं करवाते हैं, गांव भेजते हैं। है तो सांड जी हमारे पास, नहीं सांड तो हम देख रहे हैं आपका, एक ही बार सांड बार रखे हुए हैं। हां ये एक नया लिया है अभी। अच्छा अच्छा, तो सर आपने जैसे कि आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था अपने बचपन में, तो सर जो जानवर आपने मेन परचेज कहाँ से किए, जब आपने डेयरी फार्म बढ़ाया तो जानवर आपने कैसे कहाँ से लिया? ये लोकल ही लिए थे शुरू में, तो लोकल से ही लिया था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा से लेना चाहिए, पंजाब से लेना चाहिए, तो एक भैंस दो भैंस देने क्या रहने जाना होता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपके शहर में IVRI है, तो उनकी कुछ मदद मिली आपको? IVRI में डॉक्टर डॉक्टर आते हैं, वही जैसे जो हम बुला लेते हैं उन्हें। अच्छा अच्छा, बाकी उनका कुछ हेल्प हेल्प नहीं हुआ? आपसे हमारे सोलंकी मिलने वाले थे, हमारे परिचित, अभी हम उनसे दवाई पूछ लेते हैं। अच्छा अच्छा, फोन करके, वो दिल्ली में इस समय। अच्छा अच्छा, तो सर अगर कोई नया किसान भाई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? बाहर ही करे वो, शहर से, शहर से बाहर ही करे, शहर में ना करे, शहर में बड़ी दिक्कत ही है। दिक्कत बहुत ही, सबसे बड़ी फैलने उलने की समस्या है सबसे। जैसे हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका फार्म जो है शहर के अंदर है, तो शहर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा उसका बता, उसका बताइए। सबसे बड़ी बात समस्या होती है कि भूसा बांटा चूका लाने की। अच्छा, बहुत ज्यादा जाम होता है कभी कुछ है, बहुत ज्यादा इसकी दिक्कत। दूध बेचने में लेकिन सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती शहर के अंदर? जैसे कि मैंने बहुत सारे फार्म देखे जो शहर के अंदर डेयरी फार्म होते हैं, उनमें एक ये अच्छी खास बात रहती है सर कि दूध बेचने कोई दिक्कत नहीं रहता। दिक्कत नहीं होती है बस। हाँ, जैसे अगर आपका काउंटर आपका आपके डेयरी फार्म में है और चारों तरफ बस्ती है, तो आपका दूध आराम से सेल हो जाता है। जैसे कि गांव में मैंने सर खुद डेयरी फार्म स्टार्ट किया, मतलब मैंने बनाया, गांव में नहीं होता है, गांव में किया सर, मेरे दूध का ही रेट नहीं मिलता, मान लीजिए 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए भैंस का दूध सर। इसमें गाय का दूध हमारा अलग जाता है ना, 35-40 रुपए लगभग सर। जो आपके यहाँ भैंस है, लगभग से ज्यादा भैंस कितना दूध दे रही है? 14 किलो 15 किलो 12 किलो 14 किलो 15 किलो तक की कमाई भी होती है। एक से तो कुछ किसी भी डेयरी फार्म में कोई इतनी ज्यादा जानवर हम रख ही नहीं सकते। हाँ, मतलब कि फिर भी एक ज्यादा से ज्यादा जैसे आपने बात किया तो 10-12 लीटर बस। और गाय का सर सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड कितना है? 17-18 लीटर का है। बच्ची होती है, गाय बच्ची होती है। अच्छा अच्छा, छोटी छोटी मेरी तैयार हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, 10-12 तैयार हो रही है, वो अगले साल तक तैयार हो जाएंगी। अच्छा सर, आपका और फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ इधर लेफ्ट में जा रहे हैं तो भैंसी भैंस है, राइट में जा रहे हैं और स्टेट जा रहे हैं तो भैंसी भैंस है, तो आगे क्या प्लान है आपका? आगे हम आगे अपनी जगह बनवा रहे हैं बाहर शहर से। अच्छा अच्छा, तो सर अभी आप बाहर अपना डेयरी फार्म बनवा रहे हैं, तो लगभग कितनी प्लानिंग है कि हम कितने इतने जानवर बांधेंगे, मतलब क्या प्लान है? 200 जानवरों का प्लान कर रहे हैं आप। और इनका भूसा वूसा सर कैसे मैनेजमेंट करते हैं? डेयरी डेली मंगाते हैं, डेली खिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं? डेली आ रही है इस समय, जहाँ जगह कहाँ शहर में। अच्छा अच्छा, तो डेली मंगा रहे हैं, डेली खिला रहे हैं। जी। सर जैसा कि आपने बताया कि हम डेली भूसा मंगाते हैं, डेली खिलाते हैं, तो आपने कोई स्टोर नहीं बनाया क्या सर भूसा का? स्टोर बनाया था शुरू में, अब वहाँ आबादी इतनी ज्यादा हो गई, वहाँ पे भूसा उधर ट्राली बड़ी जा नहीं पाती। अच्छा अच्छा, दिक्कत होती है। तो कहीं बाहर आपने प्लान नहीं किया कि मतलब कहीं बाहर? प्लान किया है बाहर ही, जगह का देख लिया, ले लिया जगह, देखा था अभी फोन जो आया था उन्हीं का ही आया था। अच्छा अच्छा, तो जगह का सारा कुछ कंफर्म कर लिया आपने, तो आप जब अगली बार आएंगे तो आपको फार्म अपडेट मिलेगा हमको? हाँ बिल्कुल, अगली बार आएंगे तो इंशाल्लाह मिलेगा, इंशाल्लाह अच्छा फार्म मिलेगा हमको, बड़ा सा फार्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत प्रॉब्लम आ रही है और जगह जगह समस्या होती है, भैंस बीमार बहुत होती है। जी जी जी, सही बात है, मतलब अगर बड़ा चिपटे चिपट के बांधने से या थोड़ा खुल जाए तो भैंस खुल जाए थोड़ी तो अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जैसे अगर आपकी भैंस, जैसे आपने फीडिंग करा दिया, फीडिंग कराने के बाद अगर आप सर छोड़ देते हैं उनको फ्री रेंज टाइप में, अगर छोड़ देते हैं थोड़ा स्पेस में, तो थोड़ा भैंस हेल्दी हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तो उसके लिए अगर आपके पास 2-3 बीघे की लैंड है, वो 4 बीघे का लैंड है जिसपे आप डेयरी फार्म शिफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो आपकी खुद की जमीन आपने परचेज किया है अभी उसको किराए में ले रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी जमीन है। अच्छा, आपकी जमीन है, आपने खरीदा होगा उसको? बहुत पहले की ली हुई थी, वो आबादी में उस शहर में आ गई थोड़ी सी। अच्छा, पहले गाँव सा ही था, जंगल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप डेयरी वहाँ चली जाएगी, दूध कैसे सेल करेंगे? दूध तो यही रिटेल होगा, तो दूध यहीं लेके बेचेंगे, जैसे कोई वाहन, कोई मिनी वाहन से आप यहाँ भेजेंगे? हाँ, वाहन से आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कोई नया किसान भाई सोचता है कि 10 भैंसे पालो 20 भैंसे पालो? नहीं नहीं, शुरुआत वो करे तो कमी से ही करे पहले, मेरी राय तो यही है। अच्छा अच्छा, अगर उसे नॉलेज नहीं है तो 4 भैंसों से ही शुरू करे। अच्छा, जैसे सर आपने नॉलेज कैसे करा, मान लीजिए आपने जैसे कि बताया कि बचपन से ही किया, तो धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है, जब ये बच्चे आ रहे हैं इन्हें नॉलेज हल्की होती चली जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सही कह रहा है कि आप जैसे आपको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, डॉक्टर हम सबको पूछता है कि इसको ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, हम लोग बताते हैं कि ऐसा था। सही बात है, क्योंकि आप जब बचपन से ही किसी काम को कर रहे हैं सर, धीरे 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 सारा कुछ आप सीख जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। सही बात है सर, जैसे कि आपने बताया कि
जैसे 70,000 रुपये आपका दूध पर डे सेल हो जाता है, और अगर मान लीजिए कि 70-21 लगभग 20-21 लाख का दूध बिकता है तो कम से कम 17-18 लाख रुपये खर्च हो जाता है। जैसे 21 लाख का दूध बिका तो 17-18 लाख रुपये खर्च हो गए। यही अगर फार्म आपका गांव में हो तो सर आपका हाँ 50% आपका पैसा आपके पास है, मतलब 10 लाख रुपये आप मंथली आप कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात गांव में होंगे तो हरियाली मिलती रहेगी, गांव में हरा चारा बहुत जरूरी है, हरा चारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हरा चारा। सही कह रहे हैं, हरा चारा नहीं डेयरी फार्मिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, कैल्शियम गिर जाता है भैंसों का, ज्यादा सही बात है। गायों के लिए तो हम मंगाते हैं हरा चारा, कहीं से मंगाए बहुत महंगा महंगा मिलता है, तो गायों को हरा चारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गायों को तो हरा चारा, भैंस को अगर नहीं खिलाएंगे तो चल जाएगा। हाँ भैंस को एक दफा चल जाता है, लेकिन गाय को जरूरी है, गाय को जरूरी है, अगर गाय को हरा चारा नहीं देते तो देते तो थोड़ा दूध कम होता है। हम वो प्रोटीन भी बहुत देते हैं, और जैसे कि कंपनी वाले हमारे ये देखो ये लकड़ लगा गए बराबर में। ये सब सारी छोटी छोटी बच्ची तैयार हो रही है, ये आपकी फार्म की ही है बच्चियां सर? जी जी हमारे यहाँ की है। लगभग सर कितने कितने दिन की हो गई और कितनी प्रेग्नेंट है, कैसे क्या है? ना अभी नहीं, अभी तो ये इनमें 1-1 साल लगेगा करीब करीब लगभग। अच्छा जिनमें सर जिनमें सर सिंग महीने में जो हो जाएगी, जिसके सिंग निकल आया। अच्छा सर, और ये आपकी एडल्ट गाय है? ये सब हमारी, ये भी हमारे घर की है। अच्छा अच्छा, और ये सब घर की है हमारे बच्चे, ये सब आपके घर की गाय है? हम अपनी तैयार करी है ये सारी। अच्छा सर।